साथी संगठन की ओर से किया होली मिलन का समारोह। मुरादाबाद में साथी मानव सेवा संगठन की ओर से कंपनी बाग स्थित स्वतंत्र सेनानी भवन में होली मिलन का समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। होली समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख नवनीत यादव शामिल रहे। इस अवसर पर समाज सेवी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को संगठन की ओर से मंच पर सम्मानित किया गया एवं उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने छात्राओं की हौसला अफजाई की और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को भी कहा। संगठन की ओर से सभी पदाधिकारी सदस्यों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और होली समारोह के अंत में गुलाब फूलों और होली के गुलाब रंग से एवं होली की शुभकामनाएँ दी। मानव सेवा संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया सनानी भवन में कंपनी बाग में और सभी ने यहाँ खूब इंजॉय किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वही हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि हमारे पधारे थे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नवदीप शर्मा यादव जी रहे जो मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख रहे। और समस्त देशवासियों को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामना और सभी से अपील करना चाहूँगी कि ये होली का रंगों का त्यौहार है, तो सभी जो अवरी गुलार है उसी से होली खेले और किसी भी मतलब ऐसी स्थिति ना पैदा करें जिससे तृषा हो या फिर लड़ाई की भावना हो, मिलजुल के आपस में प्रेम के साथ ये त्यौहार मनाएं। आज साथी मानव सेवा संगठन की तरफ से ये होली का उत्सव मनाया गया और मेरी तरफ से, लाडली फाउंडेशन की तरफ से, अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन की तरफ से, गौरक्षा विभाग की तरफ से मैं सभी देशवासियों को, शहरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे सभी पत्रकार बंधुओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को, आप सब, हम सब मिलके इस पर्व को बहुत उल्लास के संग मनाएं और खुशियों के रंग सब में बिखेरे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। सभी का संदेश यही था कि जैसे होली का पर्व, कोई भी पर्व जो है वो निज स्वार्थ और निज देश से उठ के ऊपर मनाना चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार है, इसलिए प्यार के रंग, रंगों के साथ साथ प्यार के रंग भी आपस में घोलने चाहिए। और क्योंकि कोई भी संगठन संगठित होके काम करता है, तो हम सबको संगठित होके तन मन धन से किसी भी संगठन के लिए समर्पित होके काम करना चाहिए। यहाँ मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में साथी मानव सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम भी किया गया है, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं और जो संगठन है साथी मानव सेवा संस्थान, उसके द्वारा जो समाज हित में जो लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताया गया है और अपील की गई है कि हम लोग भी समाज सेवा में कहीं ना कहीं अपना प्रतिभाग करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार है हमारे, चाहे अब ये होली आ रहा है और जो भी हमारे त्यौहार हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने वाले त्यौहार हैं, तो हमें इन त्यौहारों को आपस में मिलजुल कर ही मनाना है और हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों की एकता को हमें कायम रखना है, हमारा जो भारत की जो विशेषता है उसको बनाए रखना है।